दोस्तों कल भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम के बीच पहला T20 मैच खेला जा चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कल का मैच काफी रोमांचक था और दोस्तों भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में जाकर इस मैच में जीत हासिल करी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम हारते हारते बच गई। ऐसे में दोस्तों आपको बताएंगे कल के मैच के लास्ट ओवर का पूरा रोमांच। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जहां दोस्तों कल के मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और दोस्तों उसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर खेलने के बाद 164 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। जहां न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल ने 70 रन बनाए तो वही मार्क चैपमैन ने 63 रन बनाए थे। तो वही दोस्तों गेंदबाजी में भारतीय टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट झटके थे, तो वही दीपक चहर और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया था। और दोस्तों इसके जवाब में जब भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खास रही थी, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए ही 50 रन की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को पहला झटका 50 रन के स्कोर पर लगा था, लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने काफी विस्फोटक पारी खेली, जहां दोस्तों रोहित शर्मा 48 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वही दोस्तों सूर्य कुमार यादव इस मैच में 62 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग की वजह से भारतीय टीम को आखिरी 4 ओवर में ये मैच जीतने के लिए मात्र 23 रन बनाने थे। लेकिन दोस्तों तभी इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए भारतीय टीम के एक के बाद एक 3 विकेट गिरा दिए थे। और दोस्तों यही वजह थी कि भारतीय टीम को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए इसके बाद 10 रन बनाने थे। जहां दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने 20वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद वेंकटेश अय्यर आउट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद जब भारतीय टीम को आखिरी 3 गेंदों में 3 रन चाहिए थे, तभी दोस्तों ऋषभ पंत ने चौका मारकर इस मैच में भारतीय टीम को जीत दिलवा दी थी। जहां दोस्तों भारतीय टीम ये मैच 2 ओवर पहले ही जीत जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से भारतीय टीम के विकेट गिर जाने की वजह से ये मैच पूरी तरह फंस गया था। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत ने आखिरी तक टिक कर इस मैच में भारतीय टीम को जीत दिलवा दी।